नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं मंडी में आज कहाँ कहाँ का आलू आया, जैसे चिप्सन आलू, सूर्य आलू और पुखराज आलू, लाल आलू, सारी किस्म के आलू आए। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी दीपू बाबू जी से। बाबू जी नमस्कार जी। बाबू जी क्या पोजीशन है आज, गाड़ियां कितनी हो रही जी? 120 गाड़ियां राणा जी, 110 गाड़ियां, 110-120 गाड़ियां और बाकी कल की बैलेंस जो थी 40 गाड़ी थी, 30-40 कल की 40 गाड़ी। इतनी तेजी में क्यों रोक रहे जी? देखो राणा जी बात है कि आलू ने बिकना है, बंदर ने बिकना है और ये जैसे मार्का जा रहा है, देखो सामने ये मार्का जा रहा है संभल। अच्छा जी, ये चंदोसी साइड का, ये सूर्य आया था। अच्छा जी, कल भी गाड़ी आई थी, दो लाट थे। अच्छा, एक लाट तो जो सा 1000 रुपए बेचा था, एक लाट बेचा 850 रुपए। अच्छा, आज भी आया था, आज इनका 950 रुपए का। अच्छा जी, आज लाट आगे लग रहा है, इस गाड़ी में आगे लग रहा है। अच्छा, इस गाड़ी में आज चिप्सोना आगे लग रहा है। अच्छा जी, आगे लग रहा है, ये पूरा बिक गया। और आज चिप्सोना की वो तो रेवल हो गई, 15 गाड़ी चिप्सोना की, चिप्सोना ही सारा, ये चिप्सोना ही सारा। अच्छा जी, पुखराज कम हो गया मंडी में और चिप्सोना बढ़ गया। अच्छा, और अभी लोगों को ना, अभी हमारे भाइयों को चिप्सोना भेज तो रहे हैं, चिप्सोना है तो इसको जो है अभी लोग जजमेंट नहीं कर पा रहे चिप्सोना है या पुखराज है। अच्छा जी, क्योंकि बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, रेट का फर्क है। अच्छा जी, पुखराज बिक रहा है 4.5-4.75। कल पुखराज की एक्सटर्नल गाड़ी थी तो वो कल भेज दी थी और यहाँ पे शायद सैंपल नहीं पड़ा हुआ वो कल, लेकिन वो आलू आगरा कलर था और 50 किलो तुल गया था, रात को उठ गया था, मार्का लगा हुआ था। हाँ जी, वो भिजोई का आलू था। हाँ जी, वो आलू बेचा था हमने 550 रुपए लगाया पुखराज। हाँ पुखराज, लेकिन वो आलू अलग था वो, और वजन उसका 50 किलो पूरा था। बाबू जी एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब दो, ध्यान से सुनो जी। हाँ ध्यान, लोग बोलते हैं कि दिल्ली मंडी में आलू ना बेचो, लोग कमेंट करते हैं कुछ बंदे जो रेट देखते हैं, मैं कहते हैं कि दिल्ली मंडी सबसे डाउन चल रही, दिल्ली मंडी में आलू बेचना बंद करो। ये कौन लोग हैं जो दिल्ली मंडी में लगातार रोज की 100-125 गाड़ी आ रही और एक दिन नहीं आ रही, 12 महीने आती है, सबको वारा खा रहा, ये कौन है? कॉमेंट करने वाले कौन है और बेचने वाले कौन है? राणा जी देखो बात है कि जो ना पांच उंगली एक जैसी नहीं होती। अच्छा, ऐसे गांव में कोई ऐसा भी होता है शरारती टाइप का बंदा। अच्छा जी, जो गांव को खराब कर देता है, कोई गांव में ऐसा भी होता है जो समझदार होता है। अच्छा जी, कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं यार इसको मरवाओ, इसको कलकत्ता भेज भाई। अच्छा जी, कलकत्ता से रकम नहीं आएगी, साला अपना टूट जाएगा। अच्छा जी, कोई कलकत्ता में सारी पार्टी ठीक नहीं है, दिल्ली में भी सारी पार्टी ठीक नहीं है। ठीक है जी, दिल्ली में ये है कि रकम नहीं आएगी, साला दौड़ के आ जाए, कलकत्ता कौन जाएगा लेने के लिए? अच्छा, ये हैदराबाद कौन जाएगा? ये काम तो सबका भगवान सबका देखने वाला है। ये फिर जो बोल रहे हैं जी, वहाँ लोकल खेतों में इतना तेज है, वो कौन खा रहे? आदमी खा रहे, खेतों में खा रहे, ऐसे खेतों में तेज इसलिए है थोड़ा सा क्योंकि ये स्टोर में जा रहा है, कोल्ड स्टोर में जा रहा है। अच्छा, मनोबल जो सा गुजरात वालों ने बनाया हुआ है, लेकिन गुजरात वालों के बारे में लोगों को पता नहीं, गुजरात वाले जो व्यापारी है ना जो स्टॉक करते हैं, हाँ जी, वो 2-3% तो जो ऐसे हैं, 2-3% वाले जो 10-10 लाख कट्टे स्टॉक करते, 10-10 लाख कट्टे, और बाकी जो 30-35 पैसे जो 2-2.5 लाख कट्टे स्टॉक करते हैं और अपने पास ग्राहक भी रखते हैं, बेचने का दम भी रखते हैं। अच्छा जी, वो गुजरात वाले हैं वो। अच्छा जी, गुजरात की खेती अच्छी है, खेतों में तेज भी करा और गुजरात का, और एक चीज होता है गुजरात का किसान कम स्टॉक करता है, व्यापारी ज्यादा स्टॉक करता है गुजरात। मेरी बात का जवाब दो, जो खेतों में तेज भी करा वो सारा का सारा स्टॉक में आलू जा रहा है, तब तेज है वो? एक तो स्टॉक में जा रहा है जी, कोल्ड स्टोर के लिए हो रहे सौदे। हाँ जी, अभी कई जगह खुदाई भी नहीं हुई लेकिन एडवांस सौदे हो रहे हैं। अच्छा, और कई जगह ऐसा है कि हैदराबाद, बेंगलोर और इधर कलकत्ता वगैरह लोडिंग हो रही है। अच्छा जी, और अब मैं आपको एक आलू की मैं फोटो दिखाने जाता हूँ जो अमृतसर से 200 रुपए कट्टे का ट्रक लोड हुआ है, कम से कम 25 ट्रक गए और उल्टे पास बरेली, कहाँ पे? अपना ये गुजरात में डीसा में। अब वो पोर्टर बनेगा उसका या क्या बनेगा, या उसका फ्राइज बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, 200 रुपए कट्टा, 200 कुरकुरे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 200 रुपए ट्रक लोड दिया उन्होंने, 200 रुपए कट्टा। अच्छा, और आगे कोल्ड स्टोर का किराया अलग होगा, उसका भाड़ा अलग होगा, वो गया कोल्ड स्टोर में। तो आज कुल मिला के मार्केट कैसी है जी यहाँ? कुल मिला के पुखराज का तो फिर भी उठाव लग रहा है, चिप्सोना इसलिए उठाव नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा फर्क है, लेकिन चिप्सोना पीछे तेज कर दिया इन्होंने,
पीछे तेज कर दिया। आज के पुखराज के बाजार कहाँ से? पुखराज देखो यहाँ पे आम बाजार जो है 400 by 4 का है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी 450 लेके पौने 500 तक है। 500 वो है जो नामी ग्राम जो उड़ जाती गाड़ी। अच्छा, जो उड़ जाती है। और कल आपके पास 550 का भी गया, 550। लेकिन वो भाई साहब रात को 1:30 बजे खाली हो गई गाड़ी। अच्छा जी, रात को 1:30 बजे खाली हो गई गाड़ी। और अच्छा, वो आलू मार्के वाली थी। और सबसे बड़ी वादा ये है, बार बार संभल वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 50 किलो की अपनी धारणा चालू कर दें तो बड़ी सोच में फर्क आ जाएगा। अच्छा, इनकी सोच कहते जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, की सोच रहती है यार 1 किलो तो देते हैं। 1 किलो करते करते इन्होंने अब 2 किलो पे आ गए, 48 किलो कर दिया। और आज उल्टा हमारी यूनियन के राम भरण जी हैं जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा जी शिकायत आ रही है जी 48 किलो तोल आ रही है। अच्छा, ये देख लो। वैसे मैंने आज एक सेब वाले से और पूछा जी, सेब वाले डब्बे वाले से पूछा मैं, ये ना संभल वाले इसको सेब को कोई बढ़ाई ले ले। हाँ जी, तो वो सेब वाला कहता है जी 9-9.5 किलो वजन आ रहे डब्बे में। अच्छा, 10 किलो की धारा होती है, 10 किलो होना चाहिए जी। 10 किलो कह रहे, एक मार्का है जो 11 किलो भेज रहा है। अच्छा जी, अब मैं सही पूछा ना, अंदर से मन हो गया कि बस क्या कहें, यानी पहले 49 किलो करा, अब 48 किलो कर दिया जी। 48 किलो कर दिया जी, देख लो लेना ले लो कट्टा है जी, अब क्या करें यार। एक मिनट, खेत में जो शुद्ध होएगा वो 105 किलो होता है जी, इनका क्विंटल का होता है, 2 किलो फालतू का होता है। यानी जो 50 किलो पे 52.5 किलो का शुद्ध होएगा। 52 किलो लेते हैं, कई क्विंटल का भी लेते हैं, 105 किलो लेंगे जी, फिर भी 52.5 किलो बैठ गया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर भी 52.5 बैठ गया जी। फिर देखो गलत है ना, वहाँ 52.5 दे रहे तभी तो तेज बिक रहा, यहाँ के 48 दे रहे जी। वो बात है जी, अब कुछ नहीं कह सकते, व्यापारी खुद समझदार आदमी है, सारे किसान भी समझदार हैं। एक मिनट दोस्तों, जो आप कमेंट करते हैं ना, अभी दिल्ली मंदी चल रही, ये कारण है जी। 4 किलो का फर्क है जी, 4.5 किलो का, यहाँ 48 किलो मिल रहा, वहाँ 52.5 किलो है जी, फर्क है जी इस चीज का। अंजी, अंजी। तो आज के पंजाब के आलू के क्या रेट है जी? और इसके कारण ही ना, जो तोल वाले आलू है, ग्राहकों का थोड़ा टेस्ट उधर की तरफ भाग रहा है तोल वाले आलू पे। अच्छा, ये समझ नहीं रहे संभल वाले ये नहीं समझ रहे कि तोल वाले पे ग्राहक क्यों आ रहा है। हापुड़ का लेकर आजिए, जगीराबाद का लेकर आजिए, और अलीगढ़ गिलास का लेकर आजिए, क्योंकि वजन वाला आलू है हमारे को भाई, 49 किलो है तो 49 किलो आएगा, 55 किलो आएगा। ठीक है जी, ये नहीं समझ रहे संभल वाले। तो उनका क्या रेट चल रहा है जी, दूसरे वालों का? देखो पुखराज का, इनका जो सा पुखराज है, जो जगीराबाद इधर के साइड का है, वो 400, 350, 380, 450 जैसा। अच्छा, माल वैसा भाव है। अच्छा जी, अच्छा जी। और जो बात करें जी, ये पंजाब वाले जी? पंजाब वाले तो 350-400 है, बड़ी हाल है। अच्छा जी, बड़ी हाल है। पंजाब वाला जैसे पंजाब का आलू है, और बीच में आलू लोगों ने पंजाब का ज्यादा लिया, क्यों लिया कि जी इसका वजन 50 किलो पूरा आ रहा है जी पंजाब वालों का। अच्छा जी, चवी जो मिट्टी आ रही हो थोड़ी सी, लेकिन 50 किलो पूरा आ रहा है जी। ठीक है जी, तो सोच को बदलना पड़ेगा, जब मैं आऊँ जा 4.5 किलो जिसको वजन फालतू मिलेगा। मैं एक चीज जानता हूँ जी, मैं एक चीज जानता हूँ, आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, आपको 1 पॉइंट कम डालो, लंडे को तैयार हो जाते हो, अपने वो सोचे कि मैं पेट्रोल पंप पे वो मैं खड़ा हूँ, या आप खुद कहीं पे परचेजिंग करने जाते हो, लाला की दुकान पे, चीनी वाले दुकान पे जाते हो, एक चुटकी फालतू ही मांगेंगे जी, चुटकी फालतू मांगते हो। हाँ, और देने के लिए आना चाहिए जी, देने के लिए। देखो इसमें चाहे बुरा मान रहा हो या भला मान रहा हो, तो बुरा भला, बस उनको जवाब मिल गया जी, खेत में से 52.5 जा रहा है, यहाँ 48। खेत में चले जी, खेत में ले जाए 50 किलो चले, 49 किलो उसकी कह रहे, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं सोच अपनी सही बदलो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ये नहीं कि भाई मेरे को कोई संभल वाला नहीं आलू भेजेगा, गुस्से में ना भेजे कोई बात नहीं, लेकिन व्यापार के तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है जी, आपके पास क्या कल लेके आ रही है, सारी मंडी में गाड़ी, सारी मंडी में आ रही है, लेकिन मैं ना अब जैसे मैं 50 किलो बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ 50 किलो 1 किलो का वजन कम कर दूंगा, वो साले यार दूसरे आड़ती जो 48 किलो बेच रहे हैं, वो कहते देख लो जी वहाँ बिक रहा है। कुल मिला के देखा जाए जी, मार्केट कल से ऊपर है या नीचे है जी? कल जैसी है जी, थोड़ा सा पुखराज में थोड़ा सुधार है, पुखराज में सुधार है। और चिप सोने के क्या रेट बताए? चिप सोना वो जी 15 गाड़ी है ना, वो जी 15 सोना, ये 620 रुपए कहना, कोई 600 तक मांगे तो मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और ये वाला ये कौन सा है जी बाबूजी? ये वाला ये वैसे बाजार चिप सोना जो है ना, आम बाजार 550 का रहेगा बढ़िया का। अच्छा जी, आने वाले टाइम में यही रहेगा। और आज की दिन में अगर 550 रुपए में ये गाड़ी के जो है इसका मूल डाला 550 रुपए का। अच्छा जी, अच्छा। और लेकिन व्यापारी कह रहा है मैंने नहीं बेची, मैं नहीं बेची, यानी चिप सोना डाउन है, बाकी पुखराज में तेजी है। हाँ जी हाँ जी, पुखराज चिप सोना की 15 गाड़ी हो गई ना। अच्छा जी, अच्छा। चिप सोना हापुड़ का भी आने लग गया, और चिप सोना जो है संभल से भी आ रहा है, चिप सोना जो है चंदौसी से भी आ रहा है, सब जगह से चिप सोना आ रहा है। अच्छा जी, चिप सोना ज्यादा आ रहा है। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, कल से मार्केट ऊपर मानी जाएगी, बस पुखराज की मानी जाएगी। आलू कम है, आलू भाई साहब देखो ग्राहकी भी जो है, देखो खाली खाली मंडी भी लग रही है, लेकिन ये ग्राहक भी जो है उस हिसाब से है। अच्छा जी, और ये इनके जो है ना भी चिप सोना की
आदत नहीं डली इनको रेट की, मंदे की चाहिए इनको रेट। अच्छा जी, इनको चाहिए 500-550 में सौदे हो तो ये भी बिकना चालू हो जाएगा। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल, दुकान का एड्रेस तो सबको पता ही है जी, बोल दो जी। 333 चंद्रप्रकाश दिनेश कुमार, और ये वाले मोबाइल नंबर है जी। ये पुराने जमाने का मोबाइल भी चला जी, वो लैंडलाइन तार वाले। अरे लैंडलाइन का वो बोर्ड हटाया नहीं हमने, लैंडलाइन वाला। अच्छा जी, अच्छा बोर्ड नहीं हटाया जी।